बहुत अच्छा मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव लहर है इस वक्त दिनेश जी के फेवर में। मैं आजमगढ़ का खासकर विकास देखना, आप लोग आए हैं तो खुद आपने सड़कें देखी होंगी कि ये सबसे ज़्यादा तिरस्कृत जिला है। ये ज़िला अपनी हेकड़ी में और एकड़ी में घूम रहा है। इस ज़िले को तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। कई लोगों ने कहा, मैंने कहा जीतेंगे दिनेश जी, मैं डेफिनेटली लेकर आऊँगा, लेकिन पहले तो इसका ढांचा ही बदलना है, पूरी सूरत बदलनी है आजमगढ़ की। विशेष पार्टी का कब्जा है और उनके लिए जीत ही मायने रखती है, उनके लिए विकास मायने नहीं रखता। वो इस बात से ही खुश हो जाते हैं कि हमारी पार्टी जीती, विकास उकास तो सेकेंडरी चीज़ है उनके लिए। तो दिनेश जी का आना, भाजपा का आना, इसलिए बहुत ज़रूरी है। ये कई कलाकार दिखे लेकिन कुछ गिने चुने कलाकार उनमें नहीं दिखे, जिनमें खेसारी लाल जी भी वहाँ पर नहीं पाए गए। आखिर क्या वजह था जो वो वहाँ पर दिखे? नमस्कार, प्रणाम। लाइव लॉन्ग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू रॉय। हर बार कोशिश होती है भोजपुरी इंडस्ट्री के धरोहर से मिलाने की और एक ऐसे चेहरे से मिलाने की जिनकी हमेशा से भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छी योगदान रही है। एक बार फिर से वो कोशिश जारी है और हम पहुंच चुके हैं यूपी के आजमगढ़ में। आजमगढ़ के कौन सा गाँव है सर? कमरिया। आजमगढ़ के कमरिया गाँव में, और आइए आपको मिलवाएंगे भोजपुरी के एक ऐसे धरोहर से जिन्हें देख कर, जिन्हें ऑलरेडी आप पहचानते होंगे, और आज ढेर सारी बातें करेंगे। आइए हमारे साथ। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं संजय पांडे सर, भोजपुरी के धरोहर हैं। और आज से नहीं, मुझे लगता है बचपन में मैं जब छोटी थी टीवी पे फिल्में आया करता था, उस समय मैं इनको टीवी में देखा करती थी। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज सामने से सर के पास बैठी हूँ। आगे बढ़ने से पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। थैंक यू लिव लॉन्ग आपके इस चैनल के लिए, न्यूज़ चैनल के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। आप जानते ही होंगे बखूबी, हालांकि फिल्मों में इनका रोल विलन का होता है लेकिन रियल लाइफ में ये बहुत ही अच्छे हैं। सर, अभी आजमगढ़ की मैं बात करूं, यहाँ आने का खास कारण आप जानते ही होंगे, उपचुनाव को लेकर। यहाँ पे उपचुनाव चल रहा है, मैं एक बार चर्चा करना चाहूँगी उपचुनाव को लेकर, कैसा माहौल है। और मैंने देखा है कि भोजपुरी के कई कलाकार दिनेश जी के समर्थन में आए हैं और प्रचार प्रसार किए हैं, आप भी उसमें सम्मिलित थे। मैं चाहूँगी बताएं कैसा समर्थन मिल रहा है जनता का? बहुत अच्छा मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव लहर है इस वक्त दिनेश जी के फेवर में। चूँकि हम लोग तो बहुत जगह गए, बहुत सारे गाँव में, बहुत एरियाज, पूरा एरिया कवर किया हमने, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में एक बहुत चेंज आया है और लोगों में एक ये थॉट भी उपजा है कि अगर यूपी में आजमगढ़ का खासकर विकास देखना, आप लोग आए हैं तो खुद आपने सड़कें देखी होंगी कि ये सबसे ज़्यादा तिरस्कृत जिला है। ये ज़िला अपनी हेकड़ी में और एकड़ी में घूम रहा है। इस ज़िले को तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। तो क्योंकि यहाँ बहुत वैसा चलता है कि एक विशेष पार्टी का कब्जा है और उनके लिए जीत ही मायने रखती है, उनके लिए विकास मायने नहीं रखता। वो इस बात से ही खुश हो जाते हैं कि हमारी पार्टी जीती, विकास उकास तो सेकेंडरी चीज़ है उनके लिए। तो दिनेश जी का आना, भाजपा का आना, इसलिए बहुत ज़रूरी है इस क्षेत्र में। सर, हमें लगता है कि दिनेश जी के साथ आप बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, 15-20 सालों से कर रहे होंगे। क्या लगता है कि वाकई दिनेश जी, अगर आपके क्षेत्र में, कहीं ना कहीं आप भी आजमगढ़ के ही हैं, अगर आपके क्षेत्र में चुनकर आते हैं मंत्री के रूप में, तो क्या विकास कर पाएंगे? मुझे लगता है सबसे पहले तो यहाँ की सड़कें ठीक करवाएं दिनेश जी, उसका बहुत है। यहाँ एक विश्वविद्यालय की कमी है जिसकी नींव उन्होंने डलवा दी है, उसमें दिनेश जी का ही योगदान है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं, गाँव में समस्याएं हैं। जो हम इस दौरान घूम रहे थे तो कई औरतों ने बताया कि उनके घर भी नहीं बन पाए हैं। अब ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, मोदी जी ने सबको बराबर सुविधा भेजी है। यहाँ क्या दिक्कत हो रही है, टेक्निकल क्या इशूज़ हो रहे हैं, ये औरतों की प्रॉब्लम थी कि उन तक वो सुविधाएं प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही हैं शायद। कई लोगों ने कहा, मैंने कहा जीतेंगे दिनेश जी, मैं डेफिनेटली लेकर आऊँगा, लेकिन पहले तो इसका ढांचा ही बदलना है, पूरी सूरत बदलनी है आजमगढ़ की। एक बात सर सवाल जानना चाहूँगी, हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री के कई कलाकार दिखे लेकिन कुछ गिने चुने कलाकार उनमें नहीं दिखे, जिनमें खेसारी लाल जी भी वहाँ पर नहीं पाए गए। आखिर क्या वजह था जो वो वहाँ पर नहीं दिखे? मेरे ख्याल से खेसारी जी की शूटिंग की व्यस्तता है, या शायद वो मानसिक रूप से विचारधारा उनकी नहीं मिलती होगी भाजपा से, या दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते होंगे, ये वजह भी हो सकती है। मगर वो बेहतर वही बता सकते हैं कि किस वजह से नहीं आए, लेकिन हाँ, आते तो अच्छा रहता।